वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम पनीर और कैप्सिकम की एक अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक प्याज, ऑनियन, 2 ग्रीन चिलीज, 2 मीडियम साइज टमाटोज एंड 3 कैप्सिकम्स इन डिफरेंट कलर्स। और मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर। टमाटर और मिर्च को इस तरह से आप मिक्सर में पीस लें। ऑनियन और गार्लिक को भी अलग से पीस लें कुछ इस तरह से। कैप्सिकम को इस तरह मैंने लंबा लंबा काट लिया है। मसाले देख लेते हैं क्या क्या लगेंगे। 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, हल्दी, टर्मरिक 1/2 टेबलस्पून, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है करी पाउडर। और मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट। चलिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालते हैं और ये जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें जीरा डाल दीजिए। अब इसमें ऑनियन और गार्लिक का जो हमने पेस्ट बनाया है उसे डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे भूनने के लिए। देखिए इस तरह से जब प्याज भून जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे मसाले। ये हल्दी, सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये थोड़ा सा करी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जो टमाटो और ग्रीन चिली की हमने पेस्ट बनाई है वो इसके अंदर डाल देते हैं और इसे अब अच्छे से हम पकने देंगे। बीच बीच में से हिलाते रहें। जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तो इसमें हम योगर्ट डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इसमें अब हम डाल देंगे कटे हुए कैप्सिकम। अच्छे से मिला लीजिए। इसमें अब हम डाल देंगे पनीर के पीसेस। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1/2 कप से भी कम, और इसे अब हम अच्छे से पकने देंगे। ढक करके इसे रख दीजिएगा कम से कम 4 से 5 मिनट।
और बीच बीच में इसे चेक करते रहें। अब अच्छे से सब्जी पक गई है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। इट्स ऑप्शनल बट आई ऑलवेज ऐड बिकॉज दिस गिव्स अ गुड फ्लेवर। और आपकी पनीर और कैप्सिकम की सब्जी अच्छे से रेडी हो गई है। इसमें डाल दें कुछ कोरिएंडर लीव्स फॉर गार्निशिंग। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा।